हेलो गाइस, सो गाइस हमारे पास रियलमी C2 और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलता है। रियलमी C2 में आप लोगों को हैंगिंग प्रॉब्लम और यहाँ पे आप गेम प्ले जब करते हो तो आपके गेम में बहुत सारा लैग होता है और आपके यहाँ पे गेम प्ले जब करते हो तो आपका बैटरी भी ड्रेन बहुत ही जल्दी हो जाता है गाइस, और कैसे पे मोबाइल हीटिंग भी बहुत जल्दी होता है। तो ये सब आप कैसे लो कर सकते हो, मतलब मोबाइल कैसे आप फास्ट वर्क करवा सकते हो और मोबाइल कैसे अच्छे से आप गुड रन करवा सकते हो। तो हमारे पास रियलमी C2 ब्लू कलर का है और रियलमी C2 में आपको जो मिलता है 4000 mAh बैटरी और मीडियाटेक हेलियो P22 प्रोसेसर, और जिसमें आपको 2GB रैम और 16GB रोम वेरिएंट जिसमें बहुत ही ज्यादा लैग करता है, और दूसरा है 3GB रैम और 32GB रोम वेरिएंट बट इसमें भी लैग करता है क्योंकि प्रोसेसर दोनों का सेम ही है गाइस। तो ओवरऑल बात करें तो मोबाइल गुड लुकिंग है, बहुत ही बेटर है और 6000 रुपये में बहुत अच्छा कुछ फीचर्स हम लोग को देखने को मिलता है। बट अभी आप लोग को ऑफलाइन मार्केट में इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, 8000 से लेकर 9000 रुपये के बीच तक है। तो कैसे हम आपको सेटिंग पे जाके यहाँ पे चेकआउट करवाते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम जो मुझे लगा रियलमी से सभी डिवाइस में मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगा क्योंकि यहाँ पे टच प्रॉब्लम जो है वो जल्दी रहता है, मतलब 10000 रुपये के नीचे वाला जो रेंज है रियलमी वाले तो उन सब में क्या था टच का जो प्रॉब्लम आपको रहता है हमेशा, ठीक है, मतलब टच ज़्यादा वर्क नहीं करता। तो हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे है रियलमी C2 और इसका वर्जन जो है कलर 6.0 जो है इसमें अवेलेबल है और एंड्रॉयड वर्जन 9 पे है, मतलब पाई पे है अभी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3GB रैम और 32GB रोम वेरियंट। तो बस मोबाइल आप कैसे फास्ट कर सकते हो, तो बस फास्ट प्रोसेस वाला जो चीज़ है कुछ आप लोगों को सेम लग सकता है क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने सेम ट्रिक कुछ इस तरह का बताया था, बट उससे कुछ मैं बेटर इंप्रूवमेंट वाला ट्रिक रहा हो जिससे आप अपने मोबाइल को फास्ट रख सकते हो और लॉन्ग टाइम तक आपका मोबाइल फास्ट चलने लगेगा, गेम प्ले भी आपका इंप्रूवमेंट होगा और मोबाइल भी हीटिंग इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए आपको अबाउट फोन में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्डर नंबर कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको 7 बार क्लिक करना है, मतलब 7 टाइम्स आपको यहाँ पे क्लिक लगाना है। तो हमारा ऑलरेडी है, देख सकते हो नीचे नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर, मतलब हमने डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लिया था पहले ही, ठीक है। तो इसको आपको एडिशनल जो सेटिंग होता है एडिशनल सेटिंग, तो इसमें आपको जाने के बाद तो डेवलपर ऑप्शन इसमें आपको क्लिक लगाना है। आप क्लिक लगाने के बाद आपको सेटिंग करने के लिए ऊपर देखो तो एक ऑप्शन है, इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। अगर आप ये एनेबल नहीं करोगे तो आप कोई भी सेटिंग नहीं कर पाओगे। तो हमने इसको एनेबल कर दिया और एनेबल करने के बाद आप लोग क्या करना है, नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जाना है, आपको एकदम नीचे जाना है, नीचे जाना है और ऊपर इसे उठाते रहना है। एकदम नीचे जब जाओगे जो जाने के बाद देखो तो यहाँ पे एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन विंडोज कुछ इस तरह का। आप यहाँ पे मेन मुद्दा है, यहाँ पे सेटिंग जो बहुत ही अलग करने वाला हूँ मैं, आप लोग ऐसे ध्यान से देखो। आपको क्या करना, फास्ट एनिमेशन जो है यहाँ पे आपको 0.5x रखना है जो विंडो एनिमेशन है, और ट्रांसलेशन एनिमेशन जो है इसको आपको करना है ऑफ रख देना है, एकदम ऑफ कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन जो इसको आपको 0.5x रखना है, इससे आपका मोबाइल लॉन्ग टाइम तक फास्ट चलेगा, नो प्रॉब्लम रहेगा, बैटरी भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा और मोबाइल इतना ज़्यादा हीटिंग भी नहीं होगा। आप दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड, आप जब कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हो तो वो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप बहुत सारा ऐप आपके बैकग्राउंड पर चलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट आपको लगाना है, और लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको बैक आ जाना है, आपको और कुछ भी सेटिंग एक भी सेटिंग आपको ऐसे इधर से उधर नहीं करना है। अब जब करोगे तो आपका देखो तो आपका मोबाइल जो है पहले से ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा, लॉन्ग टाइम तक आप इसको आप वर्किंग कर सकते हो, गेम भी इतना ज़्यादा लैग नहीं होगा, ऐप भी बहुत ही जल्दी ओपनिंग होगा। अगर पीछे आपने फेसबुक ऑन किया था वो बैकग्राउंड पर नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आपका बैटरी भी ज़्यादा नहीं मतलब डाउन होगा, ज़्यादा हेल्थ इसका नहीं डाउन होगा, और आपका मोबाइल भी हीटिंग इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप बहुत अच्छी तरह से आप गेम प्ले भी कर सकते हो, मोबाइल अच्छी तरह से आप यूज़ भी कर सकते हो, आपका मोबाइल बहुत ही फास्ट रहने लगेगा। आप कैसे बट टच प्रॉब्लम जो है ये ऑलरेडी हार्डवेयर का काम है, ये सॉफ्टवेयर के काम नहीं है। अगर ये सॉफ्टवेयर का होता तो मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करता, बट ये हार्डवेयर का काम है, ये आपका टच सेंसिटिविटी के ऊपर काम करता है, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता किसी का। तो कैसे आप इस तरह से अपने मोबाइल को फास्ट कर सकते हो और गुड रन करवा सकते हो, गेम प्ले भी आप कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपका गेम यहाँ पर लैग होता है तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे GFX टूल करके एक सर्च कर दो, उसको इंस्टॉल करो, करने के बाद आपके रेजोल्यूशन और FPS जो इसको आप डाउन कर दो, जितना हो सके उतना लो रखो, उसके बाद आप यहाँ पे गेम प्ले बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। तो बस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।